मछली बनाने के लिए ये मैंने सैमन मछली ली है। इसके लिए आप पहले नोट कर ले कि मछली को आपने बॉयल नहीं करना। बॉयल करने से कबाब सही नहीं बनते, क्योंकि जो फ्रेश मीट में जो ब्लड होता है और उसकी जो फ्रेशनेस होती है वो कबाब को मिक्स करती है और बाइंड करती है। ये देखें आप, इसकी जो वेन्स हैं आपने इसी पोजीशन में इसको फॉक से क्रश करना है। फ्रेश मछली मिनटों में क्रश हो जाती है, इसके लिए आपको किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं। बॉयल करने से यूँ होता है कि गार्लिक सॉल्ट, क्योंकि आलू ऐसी चीज़ है कि जब तक आप इसमें पहले से बॉयल करते हुए सॉल्ट नहीं डालेंगे तो इसमें वो आलू में वो टेस्ट नहीं आता। जब थोड़ा सा भी आप डालेंगे एक अलग से आलू का टेस्ट हो जाएगा, नहीं देना आप। अब इसलिए आप नोट कर लें कि मैंने ग्रीन मिर्चें बिल्कुल पतली काटी हैं, बिल्कुल बारीक बारीक आलू प्याज काटे हुए हैं, बिल्कुल बारीक, क्योंकि जो भी कबाब आपने बनाने हों, चाहे मीट के हों चाहे फिश के हों, इसमें आपने प्याज ये सारा मसाला बिल्कुल बारीक काटना है, वरना कबाब टूट जाते हैं। सब्ज़ धनिया और ज़ीरा, ज़ीरे में जब खुशबू बिल्कुल नहीं आती जब तक कि आप इसको क्रश नहीं कर लें। जब ये आधी टूटती है इसमें से खुशबू तभी निकलती है। इसमें लिखे हैं जिंजर अदरक, हल्दी पाउडर, और आपको कूटने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जिनके पास ग्राइंडर नहीं है उन, मुझे लगता है ग्राइंडर की ज़रूरत भी नहीं है। ग्राइंडर से बहुत ज़्यादा पतले बन जाते हैं, जो कि जिसमें कबाब टूटने लगते हैं। इसमें आप ये कद्दूकस ले लें, बिल्कुल आराम से इसको करते रहें, इसमें एक टेस्ट भी होगा और आपके मोटा मोटा भी नहीं कटेगा। ये देखें बिल्कुल, ये तीन मैंने पीसेस लहसुन के लिए, ये हो गया। अब आप इन चीज़ों को सबको मिक्स कर लें, प्याज मैंने अभी आधे हाफ डाले क्योंकि ऐसा ना हो कि टूटने लग जाए, इसलिए प्याज पहले ज़्यादा कभी भी नहीं डालें। और जो मेन इंग्रेडिएंट है मछली बनाने के लिए वो है कसूरी मेथी। आप जब भी मछली बनाएं कसूरी मेथी का इस्तेमाल ज़रूर करें। कसूरी मेथी हाथों में पीसें, मछली में जो टेस्ट है, और जो मछली की जो दूसरी ख़ास इंग्रेडिएंट है वो है हाफ कुटा हुआ धनिया पाउडर, कोरिएंडर लीव्स, कोरिएंडर सीड्स, और सॉल्ट आप अपनी मर्जी से डालें। बाज़ लोग कम पसंद करते हैं, बाज़ लोग ज़्यादा। ये आलू ठंडे हो गए, गरम मसाला, अगर ये आपके हाथों में चिपकने लगे तो आप थोड़ा सा तेल साइड पे रख लें, इससे इसको ऑयल डाल के उनको ढकना देके लाइट फ्राई करें।